जिंदगी से चल रही है। हाँ तो सबको हैप्पी न्यू ईयर 2024 में सब लोग फोड़ दो, दबा के मेहनत करो। कि आटे विद आर्टिस्ट वाला सीन ऐसा है कि हम लोग, मैं आर्टिस्ट के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, ठीक है, उनके बारे में जानूंगा, वो कैसे करते हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे स्ट्रगल सहते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऐसे बातें होगी। बाकी आज पहला एपिसोड है एमसी कोड भाई के साथ फुल पावर। बाकी तुम लोगों ने उनके बारे में देखा होगा, हमारे इंडिया में पहले वेव है जो बैटल रैप के, ठीक है, तो ये सब तुम लोगों ने देख रखा है। बट उनकी डार्क लाइफ, वो कैसे रहते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, वो कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं, तो वो लोग देखते हैं, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे। बाकी तुम लोग ऐसे इन्जॉय करो, लेट्स गो। तो मैं आ चुका हूँ, बाकी कोड भाई का घर ये है, तो आप पर मत आऊंगा नहीं कहाँ पे, ठीक है, लेट्स गो। वैसे रिएक्शन वैसे का, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई, चलो वैसे यहाँ, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। ओके ठीक है, डन, ओके। दरवाजा बंद करना भाई, दरवाजा बंद करता नहीं तो वरना आ जाओ भाई सीधे मुंह से वाला, लेट्स गो भाई। देख रहा भैंस का भाई क्या सीन बना रखा भाई, बहुत बढ़िया, स्पीड डोप भाई, भाई सेटअप भाई बहुत बढ़िया, लेट्स गो। कोई सीन नहीं, अच्छा मतलब अभी हम लोग ना चाय पीने वाले भाई, कोड भाई के हाथ से कॉफी भाई, कॉफी, ठीक है, बाकी लेट्स गो, देखते क्या सीन है। ये सारे रोड पे बच्चे घूमे बेचारे, किस्मत के मारे आके भागे, देखे गाड़ी को जाते आगे, पानी खत्म हो जाता तो ऐसे वर्क भाई, ये तो अलग हो गया, तो मतलब यहाँ पे हम लोग आगे ना रेसिपी का ना हिप हॉप छोड़ के हम लोग यहाँ पे वो करने वाले हैं, और अबे चावल भी है, देख लो भाई आप, हम लोग कुकिंग चैनल खोलने वाले हैं, मैं दिखा दूं जरा भाई, देखो ये देखो भाई, लेट्स गो भाई, नीचे बहुत सारे खाली बोतलें भी है। ओ भाई ये देखो भाई, ओ भाई, अच्छा मेरे को ये बताओ आपने कितने सारे बोतल बेचे एक दिन? 123 भाई क्या सीन है मेरे को बताओ, और ये बताओ क्या कह रहा था मैं, क्या कुछ पूछ रहा था मैं यार भाई, मेरे को समझ नहीं आता, नेक्स्ट टाइम के लिए ना पूछा करना कौन से आर्टिस्ट का ऐसा करूँ और क्या क्या पूछूं उससे। अब एक काम करता हूँ मैं, आप लेट आओगे तो ना, मैं पहुँचता हूँ, तो सीधा मिलते हैं, लेट्स गो, ठीक है, लेट्स गो भाई, आप रेडी हो जाओ, मैं आपको नहाते हुए दिखा दूं क्या? और इतने सारे चोदे पर फर्क ना पड़ता, हम ऐसे छोड़, स्पेशल भाई आया भाई, मेरा सूरज प्रिंस नाम का एक भाई है यहां पे, इज अ हिप हॉप माय मैन्स इन एवरी गिग फिल्मिंग दिस शिट ब्रो, मैन्स अ बी बॉय टू, मेक सम फकिंग नॉइस फॉर माय मैन राइट नाउ। ऑलराइट, तो सीन ऐसा कि भाई बहुत मजा आ रहा है, तुम लोगों को मैं सारी चीज दिखाऊंगा जो भी सीन होगा, और तुम लोग एंजॉय करो, होप तुम लोग मेरे को थोड़ा सा कंटेंट और बताओ कि किसको कौन सा आर्टिस्ट तुम लोगों को चाहिए, और अब इसके बाद कोड भाई का यहां से परफॉर्मेंस देखते हैं क्या सीन है, फुल पावर, मजा आने वाला है, मुझे पता है भाई कोड भाई फाड़ देंगे, लेट्स गो। अभी ओपन माइक खत्म हो गया, अब माइक को क्लोज करते हैं मेरे साथ, तो शुरू कर दे क्या विनायक, विनायक को भी यहां दो स्पॉटलाइट डाउन दो, स्पॉटलाइट बंद कर सकता है क्या तू? ए व्हाट्स अप ब्रो, ये मेरा गाना है घर नाम का है भाई, अभी पानी वानी पियो, धीरे धीरे करेंगे, चार गाने कर रहे हैं अपन लोग, राम राम से शुरू करते हैं, लेट्स गो, इट्स अ पार्टी राइट नाउ ब्रो, वी आउट हियर मैन, लेट्स प्ले दैट शिट ब्रो, असल हो जाएंगे ब्रो इस रात के, लेट्स गो, गॉड गॉड लेने तो मैं घर पर बाहर निकला झगर कर, कोई करी नहीं हर कर, फिर भी सद नीचे रहता मेरा हर वक्त, दोस्त पूछे सब सही तेरे घर पर, भूख साली मिटी जैसे मेरे को ये सब फिर से देखना था, दोस्त का कमेंट आता फोटो पे हंसी जैसे गांधी की ट्रॉफी, लेट्स गो मोस्ट ग्रेट, लेट्स गो, shout out to Suraj bhai up in this bro, let's go, thank you so much, I love you, I love you.
तो कैसा रहा फिर मजा आया? हाँ बहुत मजा आया भाई, मुझे बहुत मजा आया भाई, मतलब खतरनाक। अब हम जा रहे हैं साइफर के लिए, ठीक है, रेस्ट करेंगे फिर साइफर जाएंगे और चिल करेंगे, ठीक है, फुल पावर है। तब तक कमेंट वमेंट करके बताओ करना। हम लोग सीधा कभी कभी खांसते क्योंकि इतना फूकते रहते, अब हाफते इतना सारा डबल टाइम नहीं कर सकता, इसलिए राइम करता यहाँ पे आके, करता कुछ ना कुछ यहाँ पे क्राइम करता, चाकू लेके बोलू चलो बीट तो आके बोलू चलो थोड़ा बीट तो। सब जैसे रामपुरी क्या है जैसे बहुत दूरी बना के रखी है भी संगीत से मजबूरी नहीं उसे गांडे रहा लड़के या दूर रहती क्योंकि मैं हाय रहता जो करती हाय मुझे बहनों सा प्यार देता जाने से मेरे बैंगर खालूंगा सीन पूरा लगा पड़ा लैंगर जिंदा कैसे वो रोज पूछता ये मैं आज भूखा क्यों सवाल ये खरोचता है बदल रसाल बस हालातों में क्या ढूंढता है ओके आंटी समझ गया, ओके आंटी लेट्स गो। अभी साइबर कर रहे थे मेरे साथ सारे तेरे बजे से गोड भाई इधर देखो लेट्स गो। ऑलराइट हम लोग घर निकल रहे हैं। कैसा आज का दिन भाई? आज का दिन बहुत अच्छा है, मरने वाले हैं भाई। भाई मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को एक्सपीरियंस है। वो ऐसे कर रहे हो क्या? हां और ऐसे आगे जा सकते हैं तो ये सीखा है मैंने, इसे दिखा मैंने सिखाया मैंने इसे, ठीक है लेट्स गो। हम लोग अभी स्टूडियो जा रहे हैं, टेनिस पर बात करते हैं, ऐसा फुल पावर में ऐसा लेट्स गो। ऑलराइट तो हम लोग पहुंच चुके हैं। आप कुछ कह रहे थे? वजन के साथ पे क्या तू बिना अपने बाप के या जात के, मैं क्या कर रहा तू क्या करेगा? देख रहे सुबह मजा आ रहा, आज नहीं आ रहा, अलग दिन नहीं, अलग दिन लग रहा ना आज तो, मजा आ रहा, थक भी गया भाई, अच्छा लग रहा है, सांस नहीं लेने को, बिल्कुल सांस मिल पा रहे यार। चलो आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, ठीक है, अभी बहुत सारी बातें भी करेंगे। और अभी क्या सुना रहे हो आप मेरे को? बस जहर ईपी एक इस पे काम कर रहा हूँ, इसका नाम है जहर ब्रो। भाई लेट्स गो, गाना विश करने आप ब्रो, स्ट्रेट सीधा रिकॉर्डिंग से सुना रहा हूँ, मिक्स मास्टर नहीं है ब्रो। ओके तो अभी सीधा इसी माइक पे आया था मैं, दे दिया था लय, पंच इन कर दिया था, लिखता भी नहीं हूँ मैं कभी कभी, तो कभी कभी लिखता हूँ कभी कभी नहीं लिखता हूँ, तो आपको प्रोसेस पता लगेगा ब्रो ईपी के बाद। भागा मैं प्यार के पीछे था, ऊपर पहुंचने से तो प्यार करना बस एक उम्मीद ही था, बिना इनकी पाई थे क्या बताओ, तो पीएनबी फोन का मोड है डीआईटी तो बीआरबी चाहिए मुझको सीआरबी। जहर है ना ईपी का नाम, और जहर सबसे सबसे बड़ा जहर होता है ब्रो, जितना भी मैं धूम्रपान करनी गंदी चीज होती है, धूम्रपान करना गलत होता है और मैं बताते रहता हूँ लोगों को, मेरे लिए भी बहुत गलत चीज है ब्रो, मैं लेकिन मैं करता हूँ। हाँ ब्रो मैं करता हूँ, पर मैं छुपाता नहीं हूँ कि मैं करता हूँ। लेट्स गो, मम्मी को भी पता है, मम्मी भी मेरे को डांटती रहती है धूम्रपान करता है। पर किसी को यहाँ पे ऐसा मत पीना चाहिए, ऐसा नहीं पीना चाहिए, पर ये जहर का कॉन्सेप्ट है कि इस गाने का नाम है प्यासे को, और प्यासे को दारू पीनी होती है ब्रो, तो पूरा कॉन्सेप्ट में एक बंदा है माशू, इस माशू आता है, माशू आता है चार लाइनें कहता है और वो उसको फिर अगले गाने में अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें हम बस प्यासे को पानी पिला रहे हैं ब्रो। Let's go, चलो। चाटे नहीं बस मुक्के, मूड चेंज हो जैसे छुट्टे, बिस्किट मुंह पे फेंक के मारू बोलू हाँ। बहुत मिर्ची होती है लाफिंग में, आप और मैं एक चैलेंज लेने वाले हैं, स्पाइसी लाफिंग शिट। अपन दोनों का शिट रेड होने वाला है ब्रो। ओ शिट भाई कल सुबह मजा लेगा वो तो। एक सुपर स्पाइसी, दोनों चिकन होंगे,
दो सुपर स्पाइसी एक मीडियम स्पाइसी, दो सुपर स्पाइसी एक मीडियम स्पाइसी। ये स्पाइसी सुपर स्पाइसी कौन खाएगा? लेट्स गो भाई, लेट्स गो, लेट्स गो भाई। ठीक है भैंस, क्या आज चैलेंज हो रहा है? मैं हार जाऊं मुझे पता है, बट कोई बात नहीं है। ऑलराइट, तो देखो ऐसा सीन है, क्या करने वाले हम लोग, हम लोग कांड बांड लाकर चैलेंज करने वाले हैं, ठीक है? और ये बहुत स्पाइसी है, सुपर स्पाइसी, ठीक है भाई? और कौन जीतेगा तुम्हें क्या लगता है? हार गया मैं, कोई देख लेगा तो ब्रो आओ, लेट्स गो। तो हम शुरू कर रहे हैं, 3 2 1 गो, लेट्स गो भाई। खत्म करना है क्या जल्दी? नहीं ब्रो, नहीं नहीं भाई, ज्यादा नीचे ना हो। पानी पी सकते हैं? अरे भाई खत्म कर दिया, इसमें से खाओ। ओ भाई चैलेंज, पानी 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 की बोतल भी, पानी की बोतल लग रहा, लेकिन मिर्च नहीं। ओ मजा आ गया भाई, इतना ठीक है। मैं शेयर कर रहा हूं, 4 हो गए भाई, यहां चले जाता हूं, सेलेक्ट मैं कर लेता हूं यार कंट्रोल। तो भाई वापस ही दिखा रहा है यार, पसीने पसीने चीट कोड। आप ये खाने से करो ना ये अभी उठा ब्रो। नहीं भाई, पसीने आ रहे हैं मेरे को, मर चुके हैं सब, गंदे, दर्द हो रही है पेट में भाई साहब। शो के बाद कैसा लगा आप लोगों को? मर गए वो भी, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है चलो। और राइट, तो हम लोग क्या खेलने वाले, मुझे ये बताओ आप। हम लोग खेल रहे हैं 21 क्वेश्चंस ब्रो, ठीक है चलो। इसमें फ्लर्टी भाई, इसमें क्या है मेरे को ये बताओ। इसमें हम लोग फन करेंगे और फ्लर्ट करेंगे एक दूसरे। अरे भैया लेट्स गो, चलो लेट्स गो, मैं रेडी हूं। तो पहले मैं आपसे पूछता हूं, सिर्फ आपसे, मेरा नाम क्या है? सूरज प्रिंस। लेट्स गो भाई। अच्छा, आपने मेरे को देखा है? काफी टाइम से देख भी रहे हो, चलो ठीक है। ओके, मैं कितना एजुकेटेड पर्सन लगता हूँ, मैंने कितना पढ़ा लिखा होगा, मैं बच्चों को बताओ सबसे पहले। तो ब्रो मैं नॉलेज को स्ट्रीट नॉलेज गिनता हूँ, हाँ एजुकेशन नहीं गिनता। लेट्स गो भाई, हाँ ठीक है। मेरी ज्ञान मेरी गली से आती है, मेरे रोडों से आती है, सड़कों से आती है, उस हिसाब से यू फकिंग एजुकेटेड ब्रो। लेट्स गो भाई, थैंक यू सो मच भाई। मास्टर्स इन स्ट्रीट्स, यस सर। अपन लोग सबसे एजुकेटेड है, थैंक यू सो मच भाई। लेट्स गो, पीएचडी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, हां ये बात तो सही है। लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। चलो अब क्या खेल रहे हैं हम लोग? 21 क्वेश्चन, चलो भाई ठीक, चलो लेट्स गो। तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। क्या सुनता वो सबसे, हां ये डे सप्ताह पे वर्षा देगा बाप मेरे को याद है, एक पता क्या था रहा यहीं पे जहां पे आप बैठे हो, हमने कांच तोड़ दिया था गलती से, ठीक है? और मैं साफ कर रहा था, मैं इतना अच्छा झाड़ू पोछा नहीं मारता, अच्छा ठीक है, साफ करा मैंने ब्रो, मैंने कुछ हद तक साफ करा ब्रो, ठीक है। अब ये सीन है क्योंकि मेरा बिस्तर नीचे जमीन पे है, हाँ गद्दे पे चला गया कांच, और अब मैं एक पूरे रात आया यहाँ पे, थोड़ा इनएबिलिटेटेड आया मैं यहाँ पे, लेट गया मैं, और मैं पूरे रात कांच में सो रहा हूँ, ठीक है? और मेरे बॉडी में धीरे धीरे कांच गिर रहा है ना, ठीक है? और ये सपना नहीं है ब्रो, ये हकीकत है। अब मैं सपने में कांच में चल रहा हूँ, अपने स्किन से कांच निकाल रहा हूँ, और पूरा मतलब कांच ब्रो लाइक, और दर्द हो रही है ब्रो सपने में, ये सबसे वियर्ड है सब। और जब उठे थे क्या लगे? ब्रो कांच था बिस्तर में, कांच था ब्रो मेरे तकिए में, कांच था। अरे भाई सही भाई, बहुत सही। अगर इतिहास पे, इतिहास तो अगर इतिहास पे कोई भी साल पे आप वापस जा सकते हैं, कौन से साल में जाते हैं? पहले आप बताओ। बाप मैं जाता हूं, सच बताऊं तो मैं स्टोन एजेस पे चले जाता, जब आदमी बंदर होता था ना, हाँ वहां का स्वभाव पत्थर रगड़ता, हाँ आग चिंगारी निकालता, मजे करता, और दुनिया को चला देता। मैं यार, मैं ना पता क्या जाता, मैं भी 2000 में चले जाता, 2000 तब मैं अपनी माँ से मिल पाता। अगर अपन लोग कुछ भी अपने बारे में बदल सकते हैं तो क्या बदल? मैं अपना हेयर कलर बदलता, मुझे क्या बदलना था, क्या बदलना, क्या बदलोगे?
कपड़े बदलूंगा मैं क्योंकि मैं दोनों से बिना कपड़े सेम पहन रहे हैं भाई ये फनी था नहीं ये फनी है एंटरटेनमेंट हो रहा है भाई फनी भी हो रहा है हां मैं जाऊंगा वहीं पे जहां हम जम गए थे ना वहां पे मैं स्टैंड अप करूंगा हां बाप बचपन की सबसे खुश वाली मेमोरी कौन सी बचपन की फन फन हां भाई यार मेरे ना बचपन ही ऐसे गई है मैं रोडों में सो के गुजरा हूं यार सीरियसली तो रोडों में मजे नहीं आते वाह इतने बेवड़े मिलते मेरे को आप बताओ वाह एक बंदा आता है रोड पे आता है अपने आप से बात कर रहा है मैं उससे बात कर रहा हूं पर वो मुझसे बात नहीं कर रहा वो अपने आप से बात कर रहा है बचपन में मेरी फन मेमोरी थी मैं चौथी क्लास में था मैं अपने मम्मी और अपने भाई के साथ गया हुआ था कहीं वेकेशन पे वहां तो हम लोग एक बोट पे थे और वो बोट पे हम लोग नदी वदी में थे वाटर बॉडी में थे हाँ। और वहां पे डाइविंग अलाउड नहीं होती ना हाँ। मेरे को पता नहीं था ये तो मैं नंगा जाके क्रूजर पे चला गया और मैं कूदने वाला था वहां हाँ। और पूरे शिप में मैं अकेला बंदा था नंगा कूदने के लिए मेरे को मजे आए थे मजे तो आए थे लेट्स गो अगर कोई फेमस पर्सन के साथ डिनर करना होता मोदी के साथ मोदी ओके तो कन्वर्सेशन क्या होती है मोदी जी के साथ हमारे देश के बारे में होती है कि हम अपने देश को कैसे और आगे कर सकते हैं क्योंकि हम लोग कुछ और रिप्रेजेंट करते हैं जो शायद मोदी जी को पता ना हो हाँ ये तो ठीक है हाँ तो ये होता और कोई पिक्चर ऐसी स्टक नहीं हुई ब्रो लाइक जब जिंदगी अपने आप पिक्चर हो तो क्या देखते और मैंने एक बार थ्री इडियट्स देखी कोई हां कैसे देखी थ्री इडियट्स लेगा मस्त थी ना थ्री इडियट्स देखिए क्या हां देखिए ऑल इज इट लेट्स गो ठीक है मैं सही आ रहा हूं टट्टे से तो नहीं लग रहा ना मैं हालत मेरी मैंने देखी आज नोटिस किया मैं ऐसे लग रहा हूं आज बट कोई बात नहीं देखो मैं रियल ऐसी हूं तुम फालतू में गुड भाई को गुलाबी टट्टे बोलते हो क्योंकि हम चाहते कि और लोग आ गए बहुत बढ़िया तो सबसे अच्छा चीज ये होता है कि क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म को और बढ़ाएं मैं तो अपने पे सिंगल फोकस करते रहूंगा जब रात रात हो जाती है सुबह दूसरों के लिए रात अपने लिए तो एक बार बताओ पांच साल बाद इंटरव्यू में मैं चलो पांच साल बाद अभी और चीजें जीतेंगे अपन लोग अभी पूरी दुनिया जीतनी है इम्प्रूव होने चाहिए परफेक्ट होने चाहिए हमेशा इम्प्रूव होता है क्योंकि परफेक्शन एक मिथ है कोई भी परफेक्ट नहीं है जितने भी लोग आए हो देखो ऐसा है चैनल डाउन चल रहा है मैं कर लो कुछ यार मैं फालतू में फिर मैं कवर नहीं करूंगा फिर मेरे को क्या मैं तो कमा के खा लूंगा सूरज बड़े गाना सुना है भाई एक हाँ भाई हाँ एक बार हाइप बना दो लेट्स गो जो गाना बनाया ना इट टच्ड माय फकिंग हार्ट ब्रो lyricism beat और जितना उतना डेडिकेट करा है उस गाने को उन्होंने बताया मेरे को जो प्रोसेस है कान फटने वाले हैं लोग भाई जाओ भाई कैसे निकलो ऐसे भाई थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू फॉर लविंग सपोर्ट बहुत ज्यादा प्यार तुम लोग ऐसे सपोर्ट करते हो और मिलते हैं मगर लेट्स गो एंड या मजा आया और थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर लविंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा प्यार तुम लोग को ऐसे सपोर्ट करते रहो बाकी मैं तुम लोग से ये कह रहा था कि अभी मेरा पहला एक्सपीरियंस था इसके बाद जो मैंने बनाया है बहुत प्यारा है तुम लोगों को उसमें क्यू एन ए देखने को मिलेगा बहुत सारी बातें देखने को मिलेगी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी बाकी कॉमेंट करके बताओ तुम लोगों को और कौन आर्टिस्ट चाहिए ऐसे सीरीज के लिए मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ लेट्स गो यो ये बातें उस लड़के की जो कभी हार के घर अपने नाका मिलाया नहीं उस बच्चे ने बचपन नहीं देखा जिस बच्चे के सर पे धमाका भी साया नहीं हर दफा अकेला चला समय अपनों के साथ